हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैंड टू प्रयागराज की यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और आज की जो वीडियो हमारी होगी वो यूपीपीएससी कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी का जो एग्ज़ाम हुआ है अभी 15 सितंबर को, अभी आज ही की डेट में उसका जो कंप्यूटर पार्ट है उसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे वन बाई वन, क्योंकि बहुत सारी डिमांड आई थी, बहुत सारे मैसेज आए थे कि सर इसको सॉल्व करिए हमारे फेसबुक चैनल पर। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए, ऐसे बच्चों को ध्यान रखते हुए, ऑथेंटिक 100% 99.9% श्योर जो आंसर होगा वो हम आपके लिए लेकर आए। तो आप देख रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड पे आपके क्वेश्चन दिख रहा होगा, उस क्वेश्चन आप देखते जाइए और मैं यहाँ पे आंसर नोट करता जाऊँ, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझसे बहुत दूर है तो मैं अपने मोबाइल पे देखता जाता हूँ, आप साइड में देखते जाइएगा। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ डेटा बेस अ पार्टिकुलर मोमेंट, ठीक है। इसमें ये कह रहा है कि जो कलेक्शन इन्फॉर्मेशन है डेटाबेस में जो स्टोर होता है किसी अनुमानित समय के लिए पर्टिकुलर मोमेंट में, तो उसको क्या बोलते हैं, उस मोमेंट को क्या बोलते हैं। इसमें पहला है व्यू है, दूसरा इंस्टेंस है, तीसरा स्कीम है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा पहले का वो होगा इंस्टेंस। तो पहले का जो आंसर होगा वो बी होगा। अच्छा, आपके लिए बता दूँ, ये जो पेपर आपके सामने दिया गया है ये डी सेट है, सेट डी है, ठीक है। पहले का क्या होगा आंसर, बी। इंस्टेंस, ठीक है, पहले जो आंसर होगा बी होगा इंस्टेंस। चलो दूसरा देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड कैन बी यूज टू मॉडिफाई एग्जिस्टिंग डेटा इन अ डेटाबेस टेबल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड कैन बी यूज टू मॉडिफाई एग्जिस्टिंग डेटा इन अ डेटा बेस टेबल, तो कौन से कमांड से हम लोग एग्जिस्टिंग डेटा को टेबल में चेंज करते हैं। तो आंसर जो होगा इसका डी होगा, अपडेट। तो दूसरे का जो आंसर होगा वो डी होगा, अपडेट, ठीक है, अपडेट होगा। तीसरे में क्या दिया है क्वेश्चन, आपको शायद दिख रहा होगा, आपके क्वेश्चन दिख रहा है। तीसरा, MySQL सपोर्ट डिफरेंट कैरेक्टर सेट्स, विच कमांड इज यूज डिस्प्ले ऑल कैरेक्टर सेट, ठीक है। तो MySQL सपोर्ट करता है डिफरेंट कैरेक्टर सेट्स को, विच कमांड इज टू डिस्प्ले ऑल, कौन सा ऐसा कमांड है जो कैरेक्टर सेट को डिस्प्ले करता है। उसका जो आंसर होगा सो कैरेक्टर सेट। तो तीसरे का जो आंसर होगा वो सो कैरेक्टर, यानी ए, सो कैरेक्टर सेट, ठीक। चलिए चौथा क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं उसको ऊपर कर देता हूँ। अब आते हैं 4, 5, 6। 4 में क्या दिया है भैया, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड इन पावर पॉइंट पूछा गया है। स्लाइड शो के लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसका जो आंसर होगा 4 का जो होगा वो F5 होगा, 4 का ए, F5। फंक्शन की 5 के माध्यम से आप स्लाइड शो कर सकते हो, तो F5 हो गया। पांचवा क्या है, पांचवा जो होगा, टू डिलीट द सेलेक्टेड सेंटेंस दी प्रेस द फॉलोइंग की। किसी सेलेक्टेड सेंटेंस को डिलीट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, बैकस्पेस मारोगे तब भी डिलीट हो जाएगा, यानी रिमूव हो जाएगा, और अगर आप डेल कमांड मारते हो तब भी रिमूव हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा पांचवे का सी होगा, बोथ ए एंड बी, पांचवे का सी होगा, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, ठीक है। सिक्स नंबर, द ईजीएस्ट वे टू प्लेस, सिक्स आपको दिख रहा है, द ईजीएस्ट वे टू प्लेस सेम ग्राफिक्स इन सेम प्लेस इन ऑल स्लाइड्स ऑफ पावर पॉइंट। ये भी पावर पॉइंट पूछा है, तो ऐसा कौन सा तरीका है, सबसे सरल तरीका है कि आप एक जगह मतलब प्लेस करें और हर जगह दिखे। तो टू प्लेस इन नोट्स मास्टर गलत है, नोट्स मास्टर जो नीचे होता है, हैंड आउट मास्टर प्रिंट आउट के लिए होता है। टू प्लेस इट मैनुअली यही सही है, टू प्लेस इट इज स्लाइड मास्टर गलत है, ठीक है। स्लाइड मास्टर में रखोगे तो एक ही स्लाइड भी दिखेगा, तो इससे अच्छा क्या है, एक बार मतलब रख दिया किसी एक स्लाइड पे किसी पर्टिकुलर जगह पर, कॉपी करोगे अगली बार पेस्ट करोगे सेकंड स्लाइड पे तो उसी जगह पे जहाँ पहले वाली स्लाइड रखा था उसी जगह पे वो पेस्ट होगा। तो इसका जो आंसर होगा टू प्लेस इट इन मैनुअली, तो इसका सबसे अच्छा क्या है, आप मैनुअली इसको प्लेस करेंगे तभी हर स्लाइड पे वो शो करेगा। तो उसका छठवें का जो होगा सी होगा, छठे का जो होगा सी होगा, प्लेस इट मैनुअली। सातवां क्या दिया है, इसके लिए आपको ऊपर ऊपर कर देता हूँ।
Which of the following, सातवें का जो आंसर होगा, which of the following joints is also called inner joint, इनमें से कौन सा joint, चार ऑप्शन दिए गए, कौन सा joint कहलाता है inner joint, तो पहला है non-equijoint, दूसरा self joint, तीसरा equijoint, चौथा none of these, तो इसका जो आंसर होगा self joint, तो सातवें का जो आंसर होगा B होगा, self joint. आठवें का जो आंसर होगा वो सेल्फ ज्वाइन होगा, ठीक है. आठवां आपको दिख नहीं रहा होगा, इसके लिए हमको स्लाइड चेंज करना होगा. चलो आठवां क्या दिया है, विच फाइल इज मेंटेन बाय अपाचे एसटीटीपी सर्वर, ठीक है. तो इसका जो आठवें का आंसर होगा वो डी होगा, बोथ ए एंड बी, अपाचे लॉक्स एक्सेस डॉट लॉग ये भी सही है, अपाचे लॉक्स एरर डॉट लॉग ये भी सही है, अपाचे एक्सेस फाइल डॉट लॉग ये गलत है. तो इसका जो गलत नहीं मतलब कि जो एस टी सर्वर सपोर्ट करता है, तो बोथ ए एंड बी होगा. तो आठवें का डी, बोथ ए एंड बी का डी, बोथ ए एंड बी, ठीक है. इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको मुझे शायद मिटाना पड़े अभी, तो स्क्रीनशॉट ले लेना अगर मिलाने के लिए, नहीं तो आप रिवर्स करके भी देख सकते हैं. तो एक से आठ तक ये हो गया, हम लोग चलते हैं नाइन्थ में. नाइन्थ का क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्री पैकेज्ड सर्वर स्टैक, ठीक है. इनमें से कौन प्री पैकेज सर्वर स्टैक नहीं है, तो इसका नौवे का जो आंसर होगा वो आपका होगा जैम्प. जैम सर्वर जो होता है प्री पैकेज नहीं होता, तो नौवे का बी जैम्प, नौवे का बी जैम, ठीक है. अब दसवां, इन ओरेकल डेटाबेस वेरिएबल लेंथ कॉलम इज डिक्लेयर्ड बाय, सिंपल है, वेयर कैर होगा. तो दसवें का जो आंसर होगा वो ए होगा, वेयर कैर. दसवें का जो आंसर होगा वो होगा वेयर कैर. एक ग्यारहवें के लिए आपको ऊपर कर दूं, ग्यारहवा क्या होगा, इन एम एस एक्सेल लुकअप विजार्ड यूज टू, बहुत ही सरल है, लुकअप में देखना, कहाँ देखना, सेलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस वैल्यू. तो आंसर क्या होगा ग्यारहवें का सी, सेलेक्ट फ्रॉम, ग्यारहवें का सी, सेलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस, तो यहाँ दिख नहीं रहा होगा, सेलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस वैल्यू, ठीक है. ग्यारहवें का सी, ठीक है, ग्यारहवें का सी. बारहवा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑटोमेटिकली लोडेड एंड ऑपरेट्स एज अ पार्ट ऑफ ब्राउजर, ठीक, इनमें से कौन है, क्या है जो लोड होता है और ऑपरेट भी करता है ब्राउजर, जो हम जिस पे हम नेट चलाते हैं, जिस पे हम नेट सर्फिंग करते हैं, उसका एक पार्ट बनकर. तो इसका जो आंसर होगा एड ऑन्स होगा, प्लगइन्स नहीं होगा, इसका जो आंसर होगा वो एड ऑन्स होगा. आपने देखा मोजिला फायरफॉक्स में एड ऑन्स होता है, ठीक है, जैसे IDM कोई चीज़ आप ब्राउजर से IDM में डाउनलोड करना चाहते हैं, तो ब्राउजर में आप क्या करना पड़ेगा, एड ऑन्स को ऐड करना होगा. तो इसका जो आंसर होगा बारहवें का ए, एड ऑन्स. ठीक, बारहवें का ए, एड ऑन्स. अगला क्या है, तेरह, तेरह नंबर क्या पूछ रहा है, तेरह नंबर ये बोल रहा है कि व्हाट इज अ CMS इन वेब डिजाइन, CMS का फुल फॉर्म बोल रहा है. तो बहुत ही सरल है, तेरहवें का जो ए होगा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जो आपका वर्डप्रेस होता है वो CMS ही होता है. तो आपका तेरहवें का ए, CMS स्टैंड फॉर, तेरहवें का ए कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, तेरहवें का ए दिख नहीं रहा होगा, तो इसलिए मैं वहाँ बोल भी रहा हूँ, लिख रहा हूँ तेरहवें का ए. अब चौदह नंबर नेक्स्ट करते हैं, और नंबर में क्या लिख रहा है, द कमांड CD, चौदह नंबर कहाँ गया, हाँ, द कमांड CD डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश डॉट. तो ये अगर इस कमांड को आप लाइनस चलाते हैं तो क्या होगा, सर्वर नो पर्पस इज इक्वलन टू CD डॉट, इट इज इनवैलिड, कुछ नहीं होगा, यानी इनवैलिड कमांड है. तो चौदह का जो होगा वो सी होगा,
इन सौदे का जो होगा वो सी होगा इनवैलिड, ठीक है, चौदह का जो होगा वो चौदहवें का डी होगा इनवैलिड नहीं बोल सकते क्योंकि कुछ रिटर्न नहीं करेगा, तो रिटर्न नहीं किएगा कुछ मैसेज नहीं पास करेगा इसको इनवैलिड नहीं बोलेंगे, ठीक है। इसको जो सुटेबल या बेस्ट आंसर जो बनेगा वो डी होगा, नन ऑफ दीज। तो आंसर सही कर लेना, चौदह का डी नन ऑफ डीज एन ओ टी। पंद्रह दिख रहा है आपको, हाँ 15। विच डायरेक्ट्री ऑफ डायरेक्ट्री स्ट्रक्चर इज द टॉप मोस्ट ऑन द लिस्ट, यानी फोल्डर के अंदर फोल्डर जब बनाते हैं तो सबसे पहला पैरेंट फोल्डर होता है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, उसको जो बोलते हैं रूट बोलते हैं। तो 15 का बी, रूट। 16 भी दिख रहा है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्विस कॉमा नॉट सपोर्टेड बाय द ओएस, इनमें से ऐसी कौन सी सर्विस है जो ओएस को सपोर्ट नहीं करती, प्रोटेक्शन ओएस करता है, कंपाइलेशन ओएस करता है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ओएस करता है, इसका जो आंसर होगा 16 का बी अकाउंटिंग, 16 का बी अकाउंटिंग, ठीक है। ओएस कोई अकाउंटिंग का काम, एक जोड़ घटाना अकाउंटिंग का काम, प्रॉफिट एंड लॉस का काम, चेक करने का काम वो नहीं करता है, ठीक है। 17 नंबर देख लीजिए, ऑपरेटिंग सिस्टम विच इन्वॉल्व अ GUI बेस्ड यूजर इंटरफेस आर, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनमें GUI होता है, विंडोज सबको पता है, लाइनेक्स भी होता है, GUI यूनिक्स नहीं होता, लाइनेक्स होता है, सोलरिस भी होता है। तो इसमें जो आंसर होगा डी होगा, 17 का डी, 17 का डी सोलरिस, ठीक। तो ये हम लोग का 17 तक का हमारा, इसमें और भी 18, चलो 18 भी देख लेते हैं, 18 में क्या दिया है भाई, 18 क्या बोल रहा है, द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन एन ओएस लाइक लाइनेक्स एंड वन लाइक विंडोज इज दैट, इसमें से कौन सा ऐसा एसेंशियल डिफरेंस है लाइनेक्स में और विंडोज में। तो 18 का जो आंसर होगा वो डी होगा, 18 जो आंसर जो होगा डी होगा, एनी प्रॉब्लम कैन मॉडिफाई लाइनेक्स कोड विच इज नॉट परमिटेड विद विंडोज, ठीक। विंडोज कैन रन विद एन इंटेल प्रोसेसर वेयर लाइनेक्स कैन नॉट, गलत, लाइनेक्स भी इंटेल चलता है विंडोज चलता है, लाइनेक्स प्रोप्राइटरी वेयर विंडोज, गलत, लाइनेक्स क्या होता है फ्री होता है, विंडोज प्रोप्राइटरी होता है, यानी विंडोज में मालिकाना हक विंडोज कंपनी का होता है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। देयर आर मल्टीपल वर्जन ऑफ लाइनेक्स बट ओनली वर्जन, गलत, विंडोज के बहुत सारे वर्जन है। इसमें जो आंसर होगा डी होगा, तो 18 का डी। तो इसके लिए मैं मिटा देता हूँ, एक बार आप लोग क्या करिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक, अगर नहीं लिखा होगा तो। मैं यहाँ फिर से लिखता हूँ, 18 से स्टार्ट करता हूँ, ठीक। तो लिख रहा होगा 18 का डी, ठीक है, 18 का डी। 19 दिख रहा हो आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिक्स टूल रिसीव्स इनपुट ओनली फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट, ठीक है, इनमें से कौन टूल है जो इस इनपुट ओनली फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट, ठीक है। तो इसमें जो आंसर जो होगा आपका वो होगा, इसमें जो आंसर होगा वो एस सी डी होगा, ठीक है, एस सी डी। तो 19 का सी एस सी डी, 19 का सी एस सी डी, 19 का सी, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 20 देखते हैं, 20 क्या बोल रहा है, 20 बोल रहा है मल्टीप्रोग्रामिंग सिस्टम, मल्टीप्रोग्रामिंग है क्या, तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, एग्जीक्यूट मोर जॉब इन द सेम टाइम पीरियड, मल्टीप्रोग्रामिंग मतलब कई सारे प्रोग्राम एक साथ एग्जीक्यूट कर जाएं, कई सारे जॉब एक साथ एग्जीक्यूट कर जाएं, तो ऐसे ओएस को हम लोग मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस बोलते हैं। तो इसका जो आंसर होगा 20 का सी, एग्जीक्यूट मोर जॉब्स इन द सेम टाइम पीरियड। 21 दिख रहा है आपको, व्हाट पीडब्ल्यूडी कमांड डू, पीडब्ल्यूडी कमांड क्या करता है, इसमें जो आंसर होगा
क्या पूछ रहा है, व्हाट पी डब्ल्यू डी कमांड, 21 का जो होगा वो ए होगा, 21 का जो आंसर होगा वो ए होगा। राइट द फुल पाथ नेम ऑफ द करेंट वर्किंग डायरेक्टरी, पी डब्ल्यू मतलब प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, वही जिस पर तुरंत काम कर रहे हैं, टू द स्टैंडर्ड आउटपुट। इसमें जो आंसर होगा 21 का पी डब्ल्यू की कमांड प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है, तो इसमें जो आंसर होगा 21 का ए। आगे 22वां क्या बोल रहा है, 22वां बोला द रिसाइक्लिंग इज कॉन्फिगर्ड ऑटोमेटिकली टू बी एबल टू स्टोर फाइल्स ऑफ व्हाट साइज ऑफ हार्ड डिस्क। तो जो 22 का जो आंसर होगा वो सी होगा 10%, 22 का जो आंसर होगा वो सी होगा 10%, ठीक। 23वां द डिफ़ॉल्ट फोल्डर वेयर इज मोस्ट एप्लीकेशन वांट टू स्टोर डेटा फाइल्स। कोई भी एप्लीकेशन आप खोलते हैं, कोई फाइल बनाइए, एमएस वर्ड खोला, कोई फाइल बनाई, कंट्रोल एस मारेंगे तो कहाँ जाएगा, और माई डॉक्यूमेंट जाएगा, तो आंसर जो होगा 23 का डी होगा, 23 का डी माई डॉक्यूमेंट, ठीक। 23 आपको दिख रहा होगा। 24 द फीफो एल्गोरिदम, 24 का जो आंसर होगा वो आपका डी होगा, फर्स्ट इन द जॉब दैट केम इन द फर्स्ट इन क्यू, फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, तो आंसर होगा 24 का डी, 24 का डी। 25 दिख रहा है आपको, दिख रहा है, ऊपर कर देते हैं। द फर्स्ट लाइन इन एनी सेल स्क्रिप्ट यूनिक्स, बहुत सरल है, इसका जो आंसर होगा वो सी होगा डॉलर, 25 का सी डॉलर। डायनेक्स में आप कमांड खोलते हैं तो स्टार्टिंग कहाँ से, डॉलर से होती है, तो 25 का सी। अगला 26 देखते हैं, छब्बीस में क्या दिया है, चलिए मैं चेंज कर लेता हूँ मोबाइल में। 26 फॉर्क इज यूज्ड फॉर, फॉर्क किस लिए यूज किया जाता है, द डिस्पैचिंग ऑफ टास्क गलत, द क्रिएशन ऑफ न्यू जॉब गलत, द क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोसेस, बहुत सही, तो 26 का सी, बहुत सरल था, 26 का सी। उसके लिए मुझे यहाँ बगल में लिखना पड़ेगा, उसको मिटा देता हूँ, का सी, 26 का सी। 27 द यूनिक्स कमांड सी सी ओ कैट डॉग डॉट सी विल कंपाइल प्रोग्राम डॉग डॉट सी, ठीक है, अगर सी सी ओ को अगर आप कैट करते हैं तो क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा 27 का जो आंसर होगा वो होगा बी, 27 का जो आंसर होगा वो बी होगा, यानी क्रिएट द एग्जीक्यूटेबल कोड एज कैट, तो 27 का बी, 27 का बी। 28 आपको दिख रहा होगा, इन यूनिक्स सिस्टम इफ फाइव पीपल आर करेंटली विजिटिंग वी एडिटर देन द नंबर ऑफ करेस्पॉन्डिंग प्रोसेस विल बी, तो 28 का जो आंसर होगा वो ए होगा, 1, एक प्रोग्राम एक ही है, काम 5 लोग करने उससे मतलब नहीं, तो 28 का है, ठीक है। 29 विस शेड्यूलिंग, 29 आपको नहीं दिख रहा है तो उसको पकड़ लेते हैं, 29 क्या बोल रहा है, विच इज शेड्यूलिंग पॉलिसी बेस्ट सूटेड फॉर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन शेड्यूलिंग टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बेस्ट होती है, तो 29 का जो आंसर होगा वो बी होगा, राउंड रॉबिन, 29 का जो आंसर होगा वो बी होगा, राउंड रॉबिन, ठीक है। 30 में क्या है, अब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इस कार्ड बहुत सरल है, किसी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं, तो 30 का जो आंसर होगा वो बी होगा, 30 का आंसर जो होगा बी होगा, प्रोसेस, ठीक है। 31 पाइप्स आर यूज फॉर, 31 का जो आंसर होगा वो ए होगा, कनेक्टिंग आउटपुट ऑफ अ प्रोग्राम कमांड द इनपुट ऑफ अनदर प्रोग्राम कमांड, तो पाइप्स आर यूज फॉर ए, 31 का ए। चलिए अब 32 पे चलते हैं,
चेंज करते हैं। थर्टी टू इसमें प्रोग्राम दिया हुआ है, मैं पूछ रहा है क्या होगा, तो हमारी डिक्लेरेशन इलीगल, इनमें से कौन सा इलीगल है, कौन सा गलत है, तो चेंज कर लेता हूँ। 32 में क्या कह रहा है, 32 का जो आंसर होगा वो ए होगा, 32 का जो आंसर होगा वो ए होगा, 32 का आंसर ए। 33 रिलायबिलिटी ऑफ अ कोड इन C++ अचीव्ड थ्रू, रिलायबिलिटी किससे आती है C++ में, तो 33 का जो आंसर होगा वो होगा, 33 का जो आंसर होगा वो डी होगा, 33 का जो आंसर होगा वो 33 का आंसर जो होगा वो डी होगा, ठीक। यानी आंसर बोथ एंड बी, यानी पॉलीमॉर्फिंग और इनहेरिटेंस क्या करते हैं, रिलायबिलिटी प्रोवाइड करते हैं कोड में C++ के। 34 दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ऊपर कर देते हैं। 34 क्या बोल रहा है, डैश फंक्शन इज यूज टू एलोकेट स्पेस फॉर एरे इन मेमोरी, ठीक है। तो 34 का जो आंसर होगा वो सी होगा, 34 का आंसर जो होगा सी होगा एलॉक, 34 का जो आंसर होगा सी होगा एलॉक, ठीक है। तो 34 का सी, चलो अब बगल में लिखना है, तो 35 देखते हैं। ठीक, नाइट नोट किया होगा तो वीडियो बैक करके देख लेना। 35 का क्या होगा, 35 क्या बोल रहा है, विच इज नॉट ए करेक्ट वेरिएबल टाइप इन C++, बहुत सरल है, इसका जो आंसर होगा 35 का वो रियल होगा, 35 का बी। 36 क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, x बराबर 1 y बराबर 2 इफ x एंड पर्सन एंड पर्सन y इक्वल टू 1 प्रिंट अप ट्रू एंड एंड, वो सरल है। 36 का जो आंसर होगा वो आपका होगा ए होगा, 36 का जो आंसर होगा वो आपका ए होगा यानी 2, 36 का जो आंसर होगा वो ए होगा ट्रू। 37 देखते हैं, इसके लिए नेक्स्ट करना पड़ेगा मुझे 37 क्या बोल रहा है, द एरर्स दैट कैन बी पॉइंटेड आउट बाय द सी कंपाइलर, इनमें से कौन सा एरर कंपाइलर पॉइंट करता है सी में, तो 37 का जो आंसर होगा वो होगा सी, 37 का जो आंसर होगा वो सी होगा। सी में क्या दिया है, सिंटैक्स एरर। 38 विच ऑफ द फॉलोइंग, 38 देखते हैं, 38 में क्या दे, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउड इन अ सी अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, इनमें से कौन अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन को अलाउ करता है, कौन सा सिंबल, तो 38 का जो आंसर होगा वो भी सी होगा, 38 का जो आंसर होगा वो भी सी होगा। 39 क्या है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी फॉलोइंग, इसका आउटपुट क्या होगा, इंटीरियर बराबर 5 बी बराबर माइनस 7 सी बराबर 0 डी इक्वल टू प्लस प्लस ए एंड परसेंट प्लस प्लस बी प्लस प्लस सी प्रिंट ऑफ, बहुत सरल है, इसको आप अगर सॉल्व करेंगे कॉपी पे तो बहुत आसानी से आ जाएगा। तो 39 का जो आंसर होगा वो होगा डी, 39 का जो आंसर होगा वो डी होगा, 39 का जो आंसर होगा वो डी होगा, ठीक है। 39 का डी क्या, डी का आंसर आप देख ही रहे, मिला लेना उसमें। अगला 40 देखिए, 40 का, इन विच डायरेक्शन डज द असाइनमेंट ऑपरेशन टेक्स प्लेस इन C++, बहुत सरल है, असाइनमेंट डायरेक्शन जो हम लोग जो ऑपरेशन वो कराते हैं तो किस डायरेक्शन में ऑपरेशन करता है C++ में, तो इसका जो आंसर होगा 40 का वो होगा बी, 40 का जो आंसर होगा वो बी होगा, राइट टू लेफ्ट, 40 का जो आंसर होगा, 40 का जो होगा वो बी होगा राइट टू लेफ्ट, 40 का जो आंसर होगा वो बी होगा। 41 वेयर एन एरे स्टोर्ड मेमोरी, जब एरे में कोई डेटा डालते हैं तो कहाँ किस मेमोरी यूज करता है, बहुत सरल है, उसका जो आंसर होगा वो हीप होगा, तो 41 का जो आंसर होगा वो ए होगा, 41 का जो आंसर होगा वो ए होगा।
ठीक 42 व्हाट इज द टाइप ऑफ वेरिएबल p एंड q इज डिक्लेयर्ड बिलो। ठीक बहुत सरल है, 42 का जो आंसर होगा 42 का आंसर जो होगा वो a होगा। 42 का आंसर जो होगा वो a होगा, यानी p एंड q आर इंटीजर्स। अब 43, तो 43 हम लोग उधर लिखते हैं। 43 बोल क्या रहा है, द साइज ऑफ लॉन्ग इंटीजर इन अ साइज ऑफ लॉन्ग इंटीजर इन अ बेसिक सी कंपाइलर। ठीक है, लॉन्ग इंटीजर की कितनी साइज होती है, तो 43 का जो आंसर होगा, 43 का जो आंसर होगा वो बी होगा। 43 का आंसर जो होगा वो बी होगा, 32 बिट। ठीक है, तो 43 का बी। 44 व्हाट वुड बी द इंडेक्स नंबर ऑफ द लास्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे विद 25 एलिमेंट। बहुत सरल है, 44 का जो आंसर होगा वो सी होगा। 44 का सी आंसर 24। मैंने चेंज नहीं किया, 42 तक हमने देख लिया था। नेक्स्ट 43 आपने देख ही लिया, 32 बिट, 44 आपको बता ही दिया, 45 हम लोग चलते। तो 45 व्हाट टाइप ऑफ चार्ट यूजफुल फॉर कंपेयरिंग वैल्यूज और कंपेयरिंग वैल्यूज ओवर कैटेगरी। सेलर पाई चार्ट 45 का सी, 45 का सी, 45 का सी पाई चार्ट। ठीक है, 46 बाय डिफॉल्ट द अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इन एमएस वर्क, वर्क यहाँ लिखा है वर्ड होगा तो लेफ्ट होता है, जाहिर सी बात है। तो 46 का बी, 46 का बी लेफ्ट। 47 द रेंज ऑफ करेक्टर डेटा टाइप इज, 47 का जो आंसर होगा वो ए होगा। 47 जैसे अनसाइंड साइन लिखा नहीं तो अच्छा उसकी कोई बात नहीं, अगर 128 लगाया तो सही है, 255 भी सही होता है, लेकिन जो मोस्ट उसके प्रेफरेबल है वो ए होगा, 47 का ए। ठीक है, 48 व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ द सोर्स फाइल। बहुत सारा डॉट जावा होता है, तो 48 का बी डॉट जावा। 49 इन सी लैंग्वेज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इसको वही राइट लेफ्ट टू राइट सॉल्व कर लो, राइट टू लेफ्ट। तो इसका जो आंसर होगा 49 का जो आंसर होगा वो होगा बी, 49 का जो आंसर होगा वो बी होगा, यानी 3 आएगा। 49 जो आंसर होगा बी होगा और 3 आएगा। ठीक, आंसर 50 द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल एक्सिक्यूट फॉर टाइम्स फॉर, कितनी बार ये रन करेगा अगर स्टेटमेंट को रन कराते हो। तो 50 का जो आंसर होगा बी होगा 99 बार, 50 का जो आंसर होगा बी 99 टाइम। ठीक, तो ये जो आपके कंप्यूटर अब तक जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो 50 क्वेश्चन थे, उस 50 क्वेश्चन का जो आंसर होगा मेरे हिसाब से, ठीक है, वो आंसर मैंने आपको दिया, आपने मैच कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा जो आपके अदर सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है वो आप कहीं वो आप देख लीजिए, क्योंकि ये जो चैनल है कंप्यूटर से रिलेटेड है, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी जानकारी या कोई भी आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर कमेंट करिएगा। और पर्टिकुलर जो अभी एग्ज़ाम हुआ ये कंप्यूटर ऑपरेटर का, इसमें जो आंसर बताया गया इसमें कोई दिक्कत हो या कोई परेशानी हो या आपको लगता है ये गलत है सही है, डिस्कशन जरूरी नहीं मैं ही सही हूँ, आपको लगता है सही है तो उस पर हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ इसको अधिक से अधिक लाइक करिए, सब्सक्राइब शेयर करिए, क्योंकि ये इसका वीडियो अभी तक बना नहीं है और बहुत सारे हमारे जो हमारे सब्सक्राइबर हैं फेसबुक के माध्यम से, उनके माध्यम से बताया गया सर इसको करिए, तो फिर मैंने फेसबुक के माध्यम से एक भाई साहब से मांगा पेपर, उसके माध्यम से मैंने आपको सॉल्व कराया। तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इसको देखा, प्लीज़ इसको लाइक करिए सब्सक्राइब शेयर करिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कोई भी कंप्यूटर रिलेटेड अदर इसके अलावा भी जानकारी चाहिए तो जरूर जरूर कमेंट करिएगा। ठीक, हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।